आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं चाहती थी कि दादी जी का भी आशीर्वाद ले लूं। नहीं अनुपमा, तुम जानती हो कि दादी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें दादी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना, तुम दादी से मिलने नहीं जाओगी। अनुपमा दादी से मिलने जरूर जाएगी। अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। हाँ, अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी और मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। अरे वो सब तो ठीक है दक्ष, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें चोट कैसी लगी? वो भैया कुछ खास नहीं, बस ऐसे लग गई थी, लेकिन अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना दादी की हालत को? मैं जानता हूँ भाभी, मैं सब कुछ जानते हुए भी चाहता हूँ कि अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाए। मैं नहीं कह रहा हूं भाभी, ये मां चाहती है कि अनु दादी से आशीर्वाद ले। चाची जी? हाँ भाभी, कल इतने सालों बाद मां सपने में आई थी। चाची तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ भैया, मां सपने में आई थी और वो चाहती है कि घर की नई बहू दादी से आशीर्वाद ले। और आप तो जानते हैं ना कि मैं मां से कितना प्यार करता हूं भैया, लेकिन हम सब भी चाची से उतना ही प्यार करते हैं। और तुम ये जानते हो। प्लीज भैया, इतने सालों बाद सपने में ही सही, पर मां ने हमसे कुछ मांगा है तो क्या हम मां के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है। थैंक्स, थैंक्स भैया। चलो चलिए। तो बहुत रुको दक्ष, मेरी बात सुनो बेटा।
देखो बेटा, अगर चाची चाहती हैं कि अनु दादी माँ का आशीर्वाद लें तो क्यों ना हम सब साथ में चलें, है ना? लेकिन इस वक्त नहीं दक्ष। देखो इस वक्त मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और कहीं दादी ने कुछ मेहमानों के सामने कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और सारी रस्में पूरी हो जाए, ये मेहमान चले जाए, उसके बाद हम सब चलेंगे ना। आप ठीक कह रहे हैं भैया, शायद अनुपमा का इस वक्त दादी से मिलना वाकई ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, अनुपमा बाद में दादी से आशीर्वाद ले लेगी। रुक्मणी सुकन्या, जल्दी से अनुपमा को लेके जाओ और तैयार करके लाओ। चलो। ये लो प्रसाद खाओ। भगवान ने बचा लिया आज हमें, लेकिन बेचारी अनुपमा को भगवान नहीं बचा सकता। अनु बेटा मेरी चाय। अनु बेटा, पापा मैं जानता हूं कि दीदी को बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हर एक लड़की को उसके घर तो जाना ही होता है ना। और फिर कुछ दिनों में मैं भी, पापा मैं आपको हंसते हंसते देखकर जाना चाहता हूं। और एक बात और पापा, आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चाय पीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको याद है ना आज हमें पग फेरों की तैयारियां करनी है और फिर हमें अनु दीदी को लेने जाना है। अरे बेटा ये भी कोई भूलने की बात है? कुछ पल के लिए ही सही, आज मेरी बेटी मेरे साथ। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाकर तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पग फेरों की रस्म में कोई भी कमी रहे। चलो चलो। ये बात हुई ना पापा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। आज जिंदगी में पहली बार दक्ष ने हमारी बात काटी है। हमारी बात काटी है उसने। इसलिए हमें आज से, अभी से और इसी वक्त से सतर्क रहना होगा मेरा, सतर्क रहना होगा। बहुत 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 ज्यादा सतर्क। अरे माया, क्या हुआ जी? माया सब कुछ हो गया है ना, सब ठीक ठाक है ना? अरे ये क्या, ये ज्वेलरी बॉक्सेस तुमने पैक ही नहीं किए? अरे माया वक्त देखो क्या हो गया है, जल्दी करो। अरे पापा ज्वेलरी तो मैं पैक कर रही हूँ ना, और वैसे भी अभी जाने में इतना वक्त है और आप अभी से। क्या करूँ माया, मेरी तो आंखें अन्नू से मिलने के लिए बेचैन हो गई। एक एक पल ऐसा गुजर रहा जैसे साल सा उसकी जुदाई में। तुम लोग तैयारी करो, मैं बाकी का सामान देख के आता हूँ। सब ठीक है कि नहीं? बेटा तू कुछ कह रहा था क्या? अनुपमा दीदी के भाई की हैसियत से आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि अच्छाई की जीत बुराई पर देर से ही सही, अगर होती जरूर है। और जब होती है ना तो ऐसी हालत होती है जो इस वक्त आपकी। वीर, आप ये मत सोचेगा कि अनुपमा दीदी चली गई तो आपका रास्ता साफ हो गया।
आपके बुरे कर्म आप पर जरूर उल्टे पड़ेंगे। जितना दुख आप सबको देती आई है ना, उतना ही दुख आपके हिस्से में भी आएगा। अपनी उल्टी गिनती आज से गिनना शुरू कर दीजिए। ओए माया पुत्र, क्या हो रहा है भाई? है पति जपे अन्नू अन्नू, बेटा जपे अन्नू अन्नू, बेटी जपे हेटियो, एंड कांता जपे ओए ओए, बिचारी जू, राम। चुप हो जाओ। ओए खैर मना, खैर। मैं तो चली उल्टी गिनती सीखने, पता नहीं भाई मुझे कब गिननी पड़ जाए। 99, 98, 97, 96, 95। क्या इसी तरह दुल्हन के चेहरे को छुपाए रखोगी? दिखाओगी नहीं अपने देवर की बहू को? खुद ही घूंघट उठा के देख लो, चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ मैं। तुम तो चांद का टुकड़ा कह रही थी, ये तो पूरा चांद है। वो भी ऐसा चांद जिसमें कोई दाग ना हो, मान गए मीरा। और नहीं तो क्या, अपने देवर के लिए मैं हीरे जैसी बहू ढूंढ कर लाई हूँ। लगता है आज इसे तुम सबकी नजर लग कर रहेगी। लाओ मैं भी इसकी नजर उतार लेती हूँ। ये लो सुकन्या, जाके नौकरों में बंटवा दो। नौकरों में क्यों, मैं ही रख लेती हूँ। नहीं, जाके नौकरों में दो। और ये है मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई। भगवान तुझे सदा खुश रखे। हेलो। हाय हैंसन, पहचाना या फिर नाम बताने की जरूरत है? अमीशा। वो तो मैं जानती थी कि तुम मुझे भूल ही नहीं सकते। दोस्तों को भूलना दक्ष की आदत नहीं है डार्लिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अपनी शादी के चक्करों से फ्री हो गए हो, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना मिला जाए। सो लेट्स मीट अप। अभी नहीं, नहीं यार, अभी नहीं। अभी तो मुझे अपनी बीवी के साथ ढेर सारे खेल खेलने। एक काम करते ना, रात को मिलते हैं रोनित की पार्टी में, 9 बजे वेलोसिटी। ओके देन, डन, विल सी यू देयर। कूल। अरे दक्ष। हाँ भाभी, आया। ओके बाय, रात को मिलते हैं। बाय। ओके बाय। अरे वाह दूल्हे राजा, शादी क्या हो गई, सबको भूल गए? ये मेरी नहीं बल्कि आपकी गलती है भाभी। अगर आपने सही वक्त पर हाँ कह दिया होता तो आज मैं आपके साथ बैठा होता और अनुपमा की जगह आपकी मुंह दिखाई हो रही होती। चलो अब तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के रखो। हाँ। मीरा कस के बांधना ताकि तुम्हारा देवर खोल ना पाए, समझी? देखिए ना तो अनुपमा मुझे छोड़कर कहीं भागने वाली है और ना ही मैं कहीं भागने वाला हूँ। फिर आप हमें बांध क्यों रही हैं? ये धागा मैं इसलिए बांध रही हूँ कि तुम दोनों अपने हाथ मिलाओ और जो अपने खुले हुए हाथ से पहले धागा खोलेगा वो इस गेम में जीतेगा। अनफेयर भाभिया, ये तो मैं गेम शुरू होने से पहले ही हार गया। आपको पता है ना मुझे हाथ में चोट लगी है। कम ऑन दक्ष, तू मेरा देवर है, ऐसे कैसे हार सकता है? कम ऑन ट्राई, तुम्हारी उंगलियां तो ठीक है ना, सिर्फ ऊपर चोट लगी है। चलो कम ऑन, यस कम ऑन।
चलो लूजर। ए, चुप चुप, भाभी की जीत पे खुशी मना रही है। देखो राखी पे गिफ्ट चाहिए कि नहीं? बढ़िया ही, भैया इज द लूजर, भैया इज द लूजर। मैं इस बार तो मैं तैयार नहीं था इसलिए मैं हार गया। भाभी अब नेक्स्ट गेम खेलिए, मैं नेक्स्ट गेम 100% जीतूंगा, देखना। अरे वाह, ये खाने हैं ना भाभी? अरे नहीं भाई, हाथ पीछे करो, पीछे करो। ये खाने के लिए लड्डू नहीं है, ये लड्डू में भी एक रस्म है। ये लड्डू है और इस किसी एक लड्डू में एक चाबी है। अब तुम दोनों को एक एक करके वो लड्डू तोड़ना है जिसमें चाबी है। जिसको पहले वो लड्डू मिला वो जीतेगा, ठीक है? चलो शुरू करो। बेटा अगर इस बार हार गए ना तो जिंदगी भर जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इम्पॉसिबल भैया, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ? कि सबसे पहले लड्डू मैं छूंगा, जेंट्स फर्स्ट। चलो देखते हैं। ओके ओके, हियर वी गो। और ये रहा चाबी, पहला लड्डू चाबी। ओके चलो देखते हैं। अनुपा तुम्हारी बारी। नहीं जीत गई। तो आप लोगों को पता था कौन से लड्डू में है चाबी? तुम तो गए मेरे लड्डू गोपाल। इस बार भी जीत अनुपमा की ही हुई। नाम खराब कर दिया सिंघानिया फैमिली। अरे भैया इनको पता था पहले से। भैया अब तो आपको जोरू का गुलाम बनना ही पड़ेगा, जोरू के गुलाम। ये क्या हो रहा है? अंगूठी शायद मिल जाए तो बेटर होगा। ये देखो साजिश है यार तुम लोगों को, हर बार ही हार गए, बस हार गए। अनुपमा जीते या दक्ष हारे क्या फर्क पड़ता है हमें? आखिर में तो जीत हमारी ही है। धागे की गांठें खोलना एक बात है और हमारे प्लान की परतें खोलना दूसरी। हीरे की अंगूठी पाना एक बात है और इस जायदाद को पाना कुछ और बात। बिल्कुल सही कह रहे हो। दक्ष जीते या अनुपमा हारे हमें इससे क्या लेना देना? मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस घर में जो भी खेल चल रहा है उसके असली खिलाड़ी हम हैं। वो जीत भी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। दक्ष, एक बार अनुपमा को अंदर भेजने से पहले फिर सोच लो प्लीज। भाभी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अनुपमा अकेली थोड़ी ना जाएगी अंदर, हम भी तो होंगे ना सब उसके साथ। हाँ। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। बस भी करो मीरा, अरे बच्चों को आशीर्वाद लेना है तो मुझे डरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी अनुपमा को। हाँ? रिलैक्स भाभी। आओ बेटा। राजीव मां देखिए कौन है आपसे मिलने। दादी मां देखिए तो सही कौन आया आपसे मिलने। जाओ आशीर्वाद। दादी जी, मैं अनुपमा हूं आपकी बहू। शादी पर तो आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया, इसलिए आज आपका आशीर्वाद लेने आया। मैं जानती हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है। तुझे मेरी जायदाद चाहिए,
इसीलिए जान लेना चाहती है मेरी। नहीं चाहती। मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालना चाहती है मुझे, मेरी सारी जायदाद ले लेना चाहती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगी? तू नहीं जानता, ये मुझे मार डालना चाहती है, इसे जायदाद चाहिए मेरी, इसके मुझे मार डालना चाहती है। दादी मैं इसे मार डालूंगी। दादी अनुपमा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ। दादी क्या करें आप, ये अनुपमा है दक्ष की पत्नी, तू क्या मुझे मारेंगे? मैं तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। हाँ मार डालूंगी मैं तुझे। पिछले 20 सालों से तू मेरे कैद में है, अभी भी ये बात तेरे समझ में नहीं आई? मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं, ना बोलने की औकात, ना सोचने की औकात। हाँ औकात है, औकात है, औकात है सहने की, मेरे जुल्म सहने की।